हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीप मल्होत्रा है एंड इस चैनल में आपका स्वागत है। तो कुछ दिन पहले मैं एम्सॉइल खरीदा था अमेजोन से, वो वीडियो आपको दिख रहा होगा। तो वो एम्सॉइल मुझे पड़ा था 1040 रुपये का एक एक बॉटल। तो मेरा अपाची R310 में 1 लीटर 700 डलता है, तो मुझे 2 बोतल खरीदना पड़ा था। तो उसके बाद मैंने मैं सर्विस सेंटर गया और वहाँ से एक ऑयल फिल्टर खरीद कर लेके आया। वो उसके बाद लोकल गैरेज में जाकर मैंने वो एम्सॉइल का इंजन ऑयल डलवा दिया, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले अलाउ तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरा अभी भी अंडर वारंटी है मेरा गाड़ी। तो इसलिए मैंने बाहर से ही वो ऑयल को इंजन में डलवा दिया एंड ऑयल फिल्टर भी चेंज कर लिया। तो उसके बाद मैं 2000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो 2000 किलोमीटर के बाद ये रिव्यू दे रहा हूँ आपको कि ऑयल का मतलब कैसा रहेगा वो ऑयल, क्योंकि मैंने अमेजोन पे बहुत सारा दिखा था कि बहुत सारा पॉजिटिव रिव्यू था अपाचे R310 एंड BMW G310R के लिए, जो कि बोल रहा था इंजन बहुत स्मूथ हो जाएगा ऐसा वैसा। तो उसके लिए ही मैंने खरीदने का रिस्क लिया, क्योंकि मैं 7100 भी यूज़ कर चुका हूँ और 300V भी यूज़ कर चुका हूँ। उसके वो 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर तो ठीक ठाक चलते थे, लेकिन उसके बाद एकदम बिल्कुल सा इंजन में बहुत सारा नॉइज होता था और वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता था। तो 2000 किलोमीटर एम्सॉइल को चलाने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑयल ठीक ठाक है, मतलब आप इसको बैड मतलब खराब ऑयल नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इसको जो लुब्रिकेंट है वो अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक है एंड बहुत ज़रा वाइब्रेशन भी नहीं है, बहुत स्मूथ भी हो चुका है भाई। तो बहुत मतलब सुजुकी के जैसा या R15 V3 के जैसा वो वैसा तो स्मूथनेस नहीं मिलेगा, क्योंकि इंजन ही ऐसे बनाया है BMW ने या फिर TVS ने जो भी हो। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि ए ऑयल इस एम्सॉइल को यूज़ करने के बाद आप लोग पॉजिटिव रिव्यू तो ज़रूर देंगे, पॉजिटिव रिव्यू आप ज़रूर देंगे मुझे लगता है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट जब ऑयल चेंज होगा मेरा 6 मंथ के बाद, तो 6 मंथ में कितना चलता है मैं देख लेता हूँ, क्योंकि 2000 किलोमीटर तो ठीक ठाक चला, लेकिन अगर 4000 या 5000 किलोमीटर चलने के बाद अगर लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है और इंजन में वाइब्रेशन आ जाता है तो वो भी देखने का बात है। वैसे तो लिखा रहा था या कोई रिव्यूअर कह रहा था कि 6000 किलोमीटर तक तो ये बिल्कुल आसानी से चल जाएगा, तो मैं तो 4000 किलोमीटर तो चलूँगा, इसके बाद मैं फिर एक रिव्यू दूंगा कैसा है। तो मैं आपको बोलूँगा, देखिए अगर आपको थोड़ा स्मूथनेस चाहिए, थोड़ा वाइब्रेशन कम चाहिए, तो एम्सॉइल आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मुथूल 7100 यूज़ करना है वो भी कर सकते हो आपके एक्सपीरियंस के खातिर, लेकिन मैं तो कहूँगा मुथूल 7100 उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है इस बाइक के लिए, और 300V भी इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है इस बाइक के लिए। मुझे उस दोनों से बेहतर एम्सॉइल लगा फॉर दिस बाइक। मैं और कोई बाइक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत प्रीमियम सेगमेंट का बहुत अच्छा इंजन ऑयल है मुथूल का, लेकिन इस बाइक के लिए एम्सॉइल ठीक ठाक है। तो आप नेक्स्ट अपडेट आपको ज़रूर मिलेगा 4000 या 5000 किलोमीटर के बाद, मैं दूंगा एम्सॉइल का नेक्स्ट रिव्यू। थैंक यू।